शासन के निर्देश पर जिले में जिला महिला अस्पताल सहित 10 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन कराने के लिए सुबह 10 बजे से ही नागरिकों की जिला महिला चिकित्सालय में लाइन लगी रही। इस दौरान नागरिकों ने सोशल डिस्टेंस के साथ लाइन लगाकर अपना अपना वैक्सीनेशन करवाया। शनिवार को जिले में 45 साल के ऊपर के 3,425 लोगों को और 18 साल से ऊपर के 1,558 लोगों को वैक्सीन लगी। टीकाकरण कराने वाले लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है और अपना नंबर आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं। जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद में जिला महिला अस्पताल सहित 10 केंद्रों पर 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने बताया कि शनिवार के वैक्सीनेशन में 2,000 लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित था। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन शहर के आसपास ही किया जा रहा है, जिससे कि नागरिकों को वैक्सीनेशन कराने में किसी तरह की असुविधा ना हो। वहीं नागरिकों ने कहा कि पहली बार वैक्सीनेशन कराने को लेकर मन में बहुत उत्साह था, जिसका काफी दिनों से इंतजार था, जो कि अब पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों के अलावा ग्रामीण विधायक विपिन सिंह एवं एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे ने कहा, लाइन लगी है 17 आइए बाहर मिल जाएगा, बाएं में, बाएं में। बैठे भैया, बाहर बाहर खड़े रहिए, कार्ड पे बोलेंगे। चलिए रानी मिश्रा क्या नाम है आपका? भैया वही लोग बता सकते हैं।
ज्ञान माला आ रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन लगवाने का काफी दिनों से इंतजार था, लेकिन जब आए थे तो लौटा दिया गया था, तो आज लगना था तो आए, तो यहाँ पे कोई वही नहीं है वैक्सीन का। कितना उठता है आज वैक्सीनेशन को लेकर? कितना उठता है आज वैक्सीनेशन को लेकर? कोई उत्साह नहीं है यहाँ पे आके तो बिल्कुल नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी है ही नहीं है। काफी देर से हम लोग 10 बजे से लाइन में खड़े हैं, कोई भी व्यवस्था ही नहीं है वैक्सीन लगने की। दीप्ति, वैक्सीनेशन के लिए आए हैं यहाँ पे? कितना उत्साह आज जी? उत्साह तो जो भी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बनती है, बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, सो दैट ये जो कोरोना वायरस है इससे मैक्सिमम लोग बच सकें और वापस हम अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकें। जी राप्ती नगर से आई हूँ। कैसा लग रहा है? ज़रूरत है इस समय, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस है कि जल्दी से लग जाए और जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं। जब से कोरोना शुरू हुआ तभी से इंतज़ार है कि दवाई बने, वैक्सीन लगे और ये जड़ से ख़त्म हो। जी आज वैक्सीनेशन होने जा रहा है? बस अच्छा लग रहा है, बस जल्दी से हो जाए। खुशी है कि एक डोज कम्प्लीट हो, फिर जल्दी से दूसरा डोज कम्प्लीट हो और ऐसे ही सारे सबका कम्प्लीट हो जाए और चीज़ें फिर से नॉर्मल पे आ जाए। सिमरन, नीलू, आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ वैक्सीन लगाने हैं। कैसा लग रहा है? ठीक, खड़े खड़े लाइन में अच्छा नहीं लग रहा। कितने दिनों से इंतजार था वैक्सीनेशन? ऐसे आज ही का नंबर लगा था इसलिए आज आ गए। मैं चंदन सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर गोरक्ष प्रांत का जो है अध्यक्ष, मैंने वैक्सीन लगवा लिया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लें और वैक्सीन के बारे में जो भी गलत फहमी है उसको मत मानें और बढ़ चढ़ के जो है अपना अपॉइंटमेंट लें और जो है वैक्सीन लगवाएं। आप लोगों से यही हमारी जो है प्रार्थना है। धन्यवाद। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि युवा बढ़ चढ़ के इसमें वैक्सीन उत्सव में भाग लें और किसी भी भ्रांति पर यकीन ना करें और घर से जरूरत हो तभी बाहर निकलें। कोरोना में सरकार का साथ दें, सरकार से लड़ने के लिए। मैंने लगवा लिया है और हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसलिए वैक्सीन से जो गलत फहमी है कि हाँ वैक्सीन लगाने के बाद बुखार हो जाता है, जो भी है, ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सब भ्रांतियों में आप लोग मत पड़ें। धन्यवाद। श्वेता त्रिपाठी जी, अभी को वैक्सीन मैंने लगवाया है और एक दवा मिली है, अच्छा है। और जनता से क्या कहना चाहेंगे जी? और बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं, सभी को कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं सब लोग। थैंक यू। शालिनी त्रिपाठी, हाँ आज वैक्सीन लगवाएं ताकि हमको कोरोना से बचाव हो सके, और जब हम वैक्सीन लगवाएंगे तो उससे हमें कोरोना होने के चांसेस कम, और होंगे भी तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जिससे हमें कोरोना के वजह से हमें नुकसान नहीं होगा। वैक्सीन के बारे में और बाकी लोगों को यही कि सबको मतलब वैक्सीन लगवाना चाहिए, इससे आप लगवाएंगे तो इससे आपका और आपकी फैमिली का सिक्योरिटी बढ़ेगा और उससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। शिवानी गिरी, सर थैंक यू फॉर बीइंग वैक्सीनेटेड कि हम लोग को वैक्सीन लग रहा है, और यही है कि मतलब 80 प्लस को जल्दी से मतलब लगाया जाए, हम लोगों को 80 प्लस और 45 जो महामारी है उसको जल्दी से ख़त्म हो। कितने दिनों से इंतजार था? यस सर, कितने दिनों से इंतजार था आपको? फ्रॉम वन मंथ। आज हो गया सर? अच्छा लग रहा है। नीतू दुबे, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। कितने दिनों से इंतजार था जी? कितने दिनों से इंतजार था? ये 28 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराए थे। कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है, कोरोना का डर थोड़ा खत्म हो रहा है। अपील करना चाहेंगे अन्य लोगों से टीके के लिए? हाँ हाँ, अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग आके यहाँ पे टीकाकरण कराएं। 18 से 44 साल के नौजवानों को, बहनों को आज टीकाकरण हो जाएगा। इस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस हैं, देखिए कल ही निगेटिव हुए और कल कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने चले गए, और इसमें स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम पूरे मनोयोग से काम कर रही है।
क्योंकि एक अचानक भीड़ आएगी तो सबके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। सबका टीकाकरण हो जाएगा, अब थोड़ा धैर्य रखें लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। योगी जी महाराज इतने इसको सीरियसली कोरोना को ले रहे हैं और आपका टीका भी पर्याप्त मात्रा में 1 करोड़ करीब ऑर्डर कर दी है, आ रहा है, तो सबका टीकाकरण हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे सरकार के कार्य से। अब देखिए अचानक भीड़, हम तो कहें ना कि अचानक भीड़ अगर काउंटर पर जाएगी तो दिक्कत तो होगी, अपने बारी का इंतजार करें। सब लोग, सबका टीकाकरण हो जाएगा, आज से शुरू हुआ तो निश्चित है सब लोगों को धीरे धीरे सबको टीका लग जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अचानक कहीं भी अगर 100-200 लोग इकट्ठा हो जाएंगे किसी कमरे में तो दिक्कत होगी। आरोग्य सेतु ऐप से हो रहा है। आज हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जनपद में 10 जगहों पर 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण करने जा रहे हैं। ये सारे बूथ शहर के इर्द गिर्द के रखे गए हैं ताकि यदि कोई कठिनाई हमें महसूस होती है तो हम उसका निराकरण सोच सकें, और अगले चरण जो हमारे होंगे अगले दिनों में जो हम आने वाले बूथ लगाएंगे उस पर उस समस्या को दूर कर सकें। पर इसके लिए कोई लक्ष्य रखा है? आज 2000 लोगों को प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य है, 200 लोग प्रति बूथ। ये जिला अस्पताल में है, इसके अलावा आपका एम्स में है, एयरफोर्स में है, रेलवे हॉस्पिटल है, चरगावा PSC है, खोराबार, और 3 हमारे नगरीय स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे लग रहा है।